इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का जो है 7 भाग यानी 7वां भाग है। अगर आपने इससे पहले के 6 भाग नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लें, ओके। ये उसके आगे के क्वेश्चन है यानी प्रश्न उत्तर हैं, तो इससे पहले के आप 6 भाग देख लें, ओके। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश को आवासीय पते में दर्शाए पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है, तो क्या वह है मोहल्ला, स्थान और पोस्ट। इसका सही आंसर है ये वाला, ओके, चौथा ऑप्शन, ओके, मोहल्ला लोके और स्थान और पोस्ट, ओके। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, रजिस्ट्रार ईए को पहले से ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहे हैं। किसमें कैप्चर हो रहे हैं दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सॉफ्टवेयर पिन मास्टर में, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है वो है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डैश को आयरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए, तो क्या? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेबल प्रकाश, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद है, खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चेहरा पहचान, ओके, याद रखिएगा। इसके बाद एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए ये स्वीकार्य है कि बच्चा डैश, ओके, कौन सा? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, माता पिता की चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता हूँ, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए, तो दोस्तों किसकी जांच की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया, ओके। इसके बाद है, प्रत्येक आँख का आयरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है, तो दोस्तों क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 स्वतंत्र, ओके। इसके बाद है, यदि आयरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया डैश है, तो क्या है? तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निगाह सही नहीं है, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो दोस्तों क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पते का प्रमाण, ओके। इसके बाद है, सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है, तो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक है, तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 11.5 डिग्री, यानी 11.5 डिग्री, याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित से डैश स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है, तो दोस्तों क्या है? इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंगुली की छाप, ओके। इसके बाद है, कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किस व्यक्ति को, ओके, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए, ओके। इसके बाद है, आयरिस IRES स्कैन के लिए आँखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश भी बता सकता है, क्या बता सकता है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गुस्से से देखो। इसके बाद है, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज चयन किए जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा स्थापित किया जाए, क्या? तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों, पहला और दूसरा, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA के रूप में चिन्हित करें, तो दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों हमारा इसका सही ऑप्शन है आपका चौथा, NPR रसीद, ओके। इसके बाद है, यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही हैं तो यह भी सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश
या हाथ का प्रयोग करें क्या? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंगूठा या तर्जन अंगुली। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वो ये है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने दैस देने के लिए की जरूरत है, तो क्या है वो? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंगुली की छाप। ओके, इसके बाद है नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए दैस द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, तो वो क्या है? तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, UIDAI। ओके, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, दैस कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरण की जाँच करें, तो क्या है इसका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए सभी खरोच, फोकस से दूर छविया और केवल आसिक छविया। ओके, इसके बाद है हमारा चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, तो दोस्तों इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर। ओके, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगले चरण पर जाएं। ओके, इसके बाद है नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए, क्या दर्ज किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूरे में। ओके, इसके बाद है यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए दो जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नामांकनकर्ता का पूरा नाम। ओके, इसके बाद है हमारा ध्वनियात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा से डैश को मैनुअल रूप से सही करने की आवश्यकता है, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिप्यांतरण। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद है निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ना होगा, तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए सभी यानी निवासी के नाम की वर्तनी और जन्मतिथि और पता जिसमें पिन कोड भवन BTC राज्य शामिल हो, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इसके बाद है फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें, तो दोस्तों इसमें तीन क्रम दिए गए हैं, इसमें से तीनों में से सही क्रम कौन सा है वो आपको पता करना है। देखिए, दो अंगूठे, बाएं हाथ की सभी चार उंगलियां और दाहिने हाथ की सभी चार उंगलियां, तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी पहले बाएं हाथ की सभी चार उंगलियां, फिर है दाहिने हाथ की सभी चार उंगलियां, फिर है दो अंगूठे। ओके, लास्ट में दो अंगूठे लगेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद है आयरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश अवश्य देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो दोस्तों ये दिए गए सभी विकल्प। ओके, क्या क्या है? देखिए, कैमरे में सीधा देखो, आंखें बड़ी करके खोलो, छपकाए नहीं। ओके, ये सभी। इसके बाद है यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामलों में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डैश की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक परिचयकर्ता। ओके, इसके बाद है घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो। ओके, इसके बाद है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता रिश्तेदार के डैश को जुड़ा जाएगा और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, EID UID माता। ओके, इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वो है अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और या उनके UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नहीं किया जा सकता। ओके, अगर माता पिता का आधार नहीं है तो बच्चे का भी नहीं बन सकता, याद रखिएगा। इसके बाद है नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करने की उसकी जनसंख्या की और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा, तो
दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आधार और प्रमाणीकरण। ओके, आधार और प्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है, जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, चौथा ऑप्शन दिए गए सभी। फिंगर सही स्थान पर ना रखने और बहुत अधिक दबाव और अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन। ओके, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न वो है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नज़र अंदाज करें और मुख्य पांच उंगलियां कैप्चर करें। ओके, इसके बाद है अगला प्रश्न है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा क्या। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, यानी सच है। ओके, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, यह एक डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपवाद। ओके, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सच, ये सच बात है। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ये बिल्कुल बात सच है। इसके बाद है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां डैश हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिए गए सभी विकल्प, यानी लापता, कटी हुई, पत्ती लगी हुई। ओके, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले स्थान पर नामांकन स्टेशन सत्यांतरित कर लेना चाहिए। तो ये दोस्तों बिल्कुल सच है, यानी ट्रू है। ओके, इसके बाद है, अगर आवेदन की पत्ती वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए, क्या चाहिए। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। इसके बाद है दूसरा, मतलब अगला प्रश्न, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों ये झूठ है, यानी फॉल्स है। ओके, इसके बाद ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है। इसके बाद है, यदि यानी इसका ऊपर वाले का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही था, ट्रू, यानी सच। ओके, इसके बाद है, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो ये बिल्कुल सच है। ओके, इसके बाद यदि किसी भी विकृत या बीमारी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, यानी फॉल्स है, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। ओके, इसके बाद है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों, पहला और दूसरा, यानी अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियों। ओके, इसके बाद है, एक अपवाद फोटो में खुली आँखों यदि संभव हो के साथ फोटो। ओके, इसके बाद है, आयरिस छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आँखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आँखें खोलने में सहायता करें। इसके बाद है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में डैश किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा ये भाग यही समाप्त होता है, अगले भाग के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल की वीडियो की